खली की नजायज़ औलाद, और जॉन सीना का, जॉन सीना भी एक बार इंडिया आया था, हमारे मिस्टर शुभम पांडे। भाई 500 रुपये पे 30 रुपये कम कर दे। क्यूट क्यूट से डंबल, किसी फैंसी सैलेड जिसमें रेड और येलो बेल पेपर खानी है, बेल पेपर नहीं खानी। 5 चल। तो स्वागत है भाई आपका चौधरी फिटनेस में, और वापस आ गए हैं आपके अपने चैनल पे। और आज अभी दिखाऊंगा, सुबह का टाइम है भाई, 5 बज रहे हैं सुबह के, एंड यहाँ पर आ गए हैं हम सब्जी लेने, अपने थोड़े बहुत फ्रूट्स भी लेंगे। जो मेन रीज़न है यहाँ आने का, दिखाने का, वो ये है कि जो फैंसी डाइट प्लान बना के देते हैं ना आपके कस्टमाइज डाइट प्लान वाले 25,000 में, जिसमें ब्रोकली आ जाती है, लाल पीली शिमला मिर्च आ जाती है उसके अंदर, उसको वाइंड अप करते हुए मैं दिखाऊंगा नॉर्मली मैं क्या सब्जियां खरीदता हूं, खासकर स्कूल और कॉलेज जाने वालों के लिए, और मैं क्या खाता हूं पर्सनली। पहली चीज़ आती है भाई हमारी शिमला मिर्च, ठीक है। अब खानी कौन सी है, लाल पीली या हरी? लाल पीली शिमला मिर्च आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है 250-250 रुपये किलो से नीचे नहीं आती, और ये आती है 70-80 रुपये किलो, जो डाइट प्लान में आपको लिख के दे रहे हैं ना, फैंसी फैंसी सैलेड जिसमें रेड और या वो बेल पेपर खानी है, बेल पेपर नहीं खानी, हरी शिमला मिर्च खानी है, ठीक है भाई। लिस्ट लाल पीली शिमला मिर्च और 80 रुपये की नॉर्मल हरी वाली शिमला मिर्च, अगर आपके पास भी हराम का पैसा आ रहा तो आप वो ले सकते हो। तो भाई ये दोनों ही खीरे मैं खाता तो वैसे ये वाला हूँ, ये फार्म वाला है, ये नॉर्मल है, वो हाइब्रिड है, तो इन दोनों में आप कोई सा भी खा सकते हो। मैं सच बोलूँ तो ये शायद 10-20 रुपये महंगा होता है, पर यहाँ बात 10-20 रुपये की नहीं है, 50 और 100 का डिफरेंस की बात हो रही है, तो इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। अब मैं दोनों ले लूँगा आधी किलो भाई, ये दोनों कर दो आधी किलो। मशरूम कैसे है? 40। और स्वीट कॉर्न 20 रुपये एक, 2 स्वीट कॉर्न के पैकेट डाल दो और 1 मशरूम डाल दो। और ब्रोकली एक बार देना, ब्रोकली एक आधा। महंगी हो गई क्या? तो ये 100 रुपये किलो से लेकर मैंने 600 रुपये, हाईएस्ट 600 भी गई है ना, ये अभी 600 रुपये किलो भी गई थी। और जो ये सबसे हैवी आइटम रहता है आपकी डाइट में, जब भी आप कहीं से बनवाओगे ना डाइट प्लान अपना, फैट लॉस में, गेनिंग में, ये जरूर मिलेगी आपको। और वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये 600 रुपये की या 100 रुपये की, वो लिख देगा सामने वाला भाई। अगर पॉकेट नहीं अलाउ कर रही ना, मैं सोचता हूँ ये 100 रुपये से ऊपर की होती मैं लेता ही नहीं, मैं इसकी जगह पालक ले लेता, मैं इसकी जगह बीन्स ले लेता, या फिर मैं सोचता हूँ तो मैं और कोई हरी सब्जी ले लूँ, इसकी जगह तोरी भी ले लूँगा मैं या पेठा भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस ये फाइबर है, अच्छा फाइबर है, बट इसके ऑप्शन अगर मैं रिप्लेस करूँ तो खीरा और बीन्स, या फिर इसके अलावा ये 2-3 ऑप्शन है, पालक, पालक सबसे बेस्ट है, इसकी जगह पालक ले लो, उसको उबाल के उसको सब्जी बना लो, पालक का बढ़िया अपना झोल माल कर लो, बॉईल करके उसको हल्का सा सोटे कर लो, बढ़िया बस। इसको मत खरीदा करो अगर ये 300-400 रुपये किलो मिल रही है भाई। अगर आप फिटनेस रिलेटेड, आप बॉडी बिल्डिंग, आप स्टेज पर नहीं जा रहे हो, नॉर्मल रहना है ना, यही करो, लंबा चलोगे अगर इन चीज़ों पर रहोगे तो। भैया इसको आधी किलो कर देना। शकरकंदी 70 की, 1 पाव 70 रुपये की किलो है, ठीक है। और बाहर मिलती 20 रुपये की प्लेट, उसमें शायद इस ये इतनी देते हैं 20 रुपये में, और शायद 70 रुपये में वो 3 देगा, यहाँ पर 70 रुपये में 10 मिल जाएंगी मेरे को ऐसी कम से कम। और बनानी कैसे, तवे पे इसको पलटते रहना 2-3 मिनट तक, एक तरफ से, फिर 2-3 मिनट से एक तरफ से, 3-4 बार पलटोगे घर पे आपकी शकरकंदी तैयार है भाई। 1 पाव कर दो। ये वाली गाजर कैसे है? 1 किलो 50। और वो वाली 80 है। एक आती है ऑरेंज वाली गाजर जो थोड़ी सी ये फैंसी होती है, जो कनाडा से आती है, ये वाली है अच्छी हमारे देश की गाजर फरीदाबाद की, ये 50 आती है। वो वाली आती है 80 रुपये, वो थोड़ी ऐसी होती है पेंट मार रखा हो जैसे, ठीक है। वैसे तो मैं खाता वही हूँ क्योंकि 10-20 रुपये का ही फर्क होता है, पर हाँ जब इन दोनों के बीच में 100 रुपये का अंतर है ना, तब मैं नहीं खाता, जब 20-30 रुपये का फर्क हो मैं वॉली प्रेफर करता हूँ। बोल दे, बोल दो तुम। हमारी शॉप नंबर 30 के सामने न्यू सब्जी मंडी सेक्टर 16 क्यूआरजी हॉस्पिटल के बैक साइड में, ओल्ड फरीदाबाद, संदीप सैनी के नाम से। पनीर भंडार के यहाँ से आप भी लेके जा सकते हो, मेरा नाम ले देना, 500 रुपये की सब्जी पे भाई 20 रुपये मेरे तरफ से कम कर देगा, ठीक है। जो भी चौधरी फिटनेस बोलेगा ना उसे 20 रुपये कम कर देना। लो भाई डिस्काउंट करा दिया, लो काटो। और अनार, अनार की 220 से 200 रुपये। और पपीता
साठ रुपए किलो। पपीते का सीजन है ना अभी, तो फ्रूट्स में क्या क्या ऑप्शन है अभी फिलहाल जो मैं कंज्यूम करता हूँ। मैं केला नहीं खाता, मेरे को उससे होती है ब्लोटिंग, और सिंपल बेसिक फ्रूट्स ना मैं ब्लूबेरी खाता जो 250 रुपए की आती है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई, सस्ते फ्रूट्स खाएंगे नॉर्मल, एप्पल, अनार, पपीता और अंगूर खा लिए, इनके अलावा मौसमी, कीनू, पाइनएप्पल खा लिया। पाइनएप्पल भी महंगा है, 100-150 रुपए किलो आता है, मतलब वो एक बक्सा जो एक आता है, तो वो मैं बाहर से कटवा लेता हूँ, कभी कभी 20-30 रुपए की प्लेट ले लेते हैं भाई, जब थोड़ा सा हमें कहीं से कमीशन आता है, मतलब हमारे पापा के पर्स से 20 रुपए निकल जाते हैं, ठीक है भाई। एक तो आधी किलो सेव कर दो, पहचान लिया ना, नाम क्या तुम्हारा, भूल गया मैं, इरशाद हो गए, अपना नाम बता देना, टीवी कैसे है, सो की तीन ऐसे मत करो, नंगा कर रहे हो तुम तो हम वैसे ही कच्चा पहन रखा हमने, तुम ये भी उतरवा दोगे हमारा, तो भाई कीवी 100 की 3 है, रहने देते हैं, अगर भाई 4 दे देगा तो ले लेंगे, चलो भाई 4 लगा दोगे, ए दे दी, खा सकते हो, कीवी भी एक अच्छा ऑप्शन है, फाइबर का बहुत अच्छा ऑप्शन है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। 100 की 4 भाई दे देगा, भाई अपना एड्रेस डाल दुकान का एक बार तेज बोल के, लेकिन सेक्टर 16 की मंडी, दुकान नंबर 36, दुकान नंबर 36 है ये, बगल में कौन सी है डेयरी, कौन सी है, 37 है वो, 36 है ना, डेयरी क्या नाम है, ये है प्रवाल डेयरी अग्रवाल भाई, सेक्टर 16 अग्रवाल डेयरी के बगल में भाई की दुकान है इरशाद नाम से, ठीक है, इरशाद 100 रुपए के फल पे, अंकल जी भी है हमारे, अंकल जी से किन्नू उठा लेना, कितने का है किन्नू, 40 रुपए किलो, 40 रुपए जो चौधरी फिटनेस बोलते, 5 रुपए कम कर देना उसके, भारी छूट, भारी डिस्काउंट, ये रहने दो, वो कर दो पपीता 1 किलो, ठीक है अंकल जी, भाई डिस्काउंट करा दिया, ठीक है, भाई से 5 रुपए का और भाई से 30 रुपए का 500 रुपए पे, अपने डिस्काउंट के बाद चौधरी फिटनेस बोलना, मैं ढंग से खरीद नहीं पाया प्रॉपर, क्योंकि मेरी जो शॉप थी वो अभी आधी बंद थी, बट हाँ देखो अपने यहाँ पर 16 सेक्टर में जो आड़त है ना, इसी को प्रमोट किया करो, रैदर देन गोइंग फॉर दोज मार्केट, मार्केटों में मत जाओ बड़ी बड़ी, जहाँ पर एक तो वहाँ महंगा मिलता है, प्लस वो कुछ नहीं करते, उसकी साफ सफाई करके डिस्प्ले में लगा देते हैं, अपनी लोकल शॉप्स, अपनी लोकल मार्केट को प्रमोट करो भाई। आ गए हम सीआर फिटनेस में, थोड़ा सा भाई ने लेट कर दिया है, भाई को बीपीटीपी पुल पे पुलिस ने पकड़ लिया था, और भाई ने बात करा दी शायद किसी से, बात करा दी थी किसी से, तो भाई ने साइड से, उन्होंने कहा साइड में रोको, भाई ने निकाल ली, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, सी एच 2433 दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, गुड़गांव पुलिस, जो भी देख रही है एक बार भाई का कुछ ना करना। पहले तो मैं शोल्डर, मैं तो लेग्स बोल रहा हूँ, वो शोल्डर बोल रहा है, देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है, आ रहा है अभी, चुप रहते हैं थोड़ी, हम ऐसा दिखाएंगे हम उसकी तारीफ कर रहे थे, डिसीजन पेंडिंग गाइस, तो हमारे बीच आ गए हैं यूथ आइकन हमारे, जितने भी लोग पांडे जी को ये कह रहे हैं कि पांडे जी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, अपने एप्स दिखाओ, पांडे जी एप्स कब तक आएंगे, तो भाई पांडे जी ने कहा एप्स सून, तो पांडे जी 6 महीने भाई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे भाई आपको, हमारे प्रशांत भाई बने रहे चैनल पे सब्सक्राइब, और भाई यहाँ पे मिक्सिंग चल रही है बहुत तगड़ी, इतना अगर मिक्सिंग 12वीं क्लास में केमिस्ट्री लैब में कर ली होती तो आज भाई भाई आईआईटी में बैठे होते, और भाई कोई भी भाई गलत ना सोचे कि ये पांडे जी पैक बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है पांडे जी, मजाक से दे, ये देखो ये देखो ये देखो ये भाई, जिसने भी ये कभी देखा है भाई वो कमेंट करके हमें जरूर बताए कि हमने कहाँ देखा है जो पांडे जी ने अभी करा है। एब्स लाना कोई डेफिनेशन नहीं होती एक अच्छी बॉडी की, एक अच्छा फिजिक, अगर आप फिटनेस लाइन में हो, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, जरूरी नहीं आपके एब्स हो, एक अच्छा खाना पीना, एक अच्छे वर्कआउट इनफ रहता है, और वही मैं हर एक को समझाता हूँ कि नॉर्मल घर का खाना खाओ, कोई जरूरत नहीं है फैंसी खाने की, देखो आप खा सकते हो बाहर का, सब मैंने कौन सी वीडियो में ऐसा बोला है कि फास्ट फूड मत खाओ भाई, कुरकुरे मोमोज कल कौन खा रहा था, पनीर वाले, ये हो तो पहले चिकन वाले थे वो जो भी थे तो पनीर कुरकुरे भाई, देख लो पंडित जी क्या लगता है कितना वेट मार पाओगे आज आप, फटने वाले हैं।
भाई तो भाई हैवी वेट ही मार रहा है जैसे, तो मैं कहां वेट मारता भाई, मेरे लिए हैवी नहीं होता वो, इनके लिए हैवी हो जाता है वो। आज अपना कवर करेंगे भाई शोल्डर का सेशन, और इसमें सबसे पहले हम लेंगे बारबेल से शोल्डर प्रेस, दो वार्म अप सेट्स खाली रॉड से 15 से 16 रेपिटेशन, सेम बात यहाँ पर, बॉडी को थकाना नहीं है, और फिर पहला सेट स्टार्ट करेंगे अपना। पंडित जी लगाए, अरे एक तगड़ी चीज दिखाता हूँ आपको, दिखाओ भाई दिखाओ, ये देखो भाई इतना क्यूट सा डंबल है मेरी एक्स की तरह, लेकिन इसका मैं वही हाल करूंगा जो मैंने उसका उसने मेरा किया था। पांडे जी इसे बाहर फेंक के आओ। चल पांडे जी, इस एक्सरसाइज का नाम तो बता दो, ऊपर नीचे, इस एक्सरसाइज का नाम ऊपर नीचे, आगे से ठीक है भाई, चलो भाई पांडे जी। पांडे जी तो आपको लगता है जब बच पाओगे भाई, जिम में आ गए 2 घंटे, मतलब ये इंश्योरेंस करा के आए हो आप अपना किस चीज का? अरे भाई आपने लगता है वीडियोस नहीं देखी, स्पॉन्सर इंश्योरेंस एजेंट हमारे पांडे जी, ये मेरा जो मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा उसका एंबेसडर होगा मैं, बहुत जल्द अपने कच्छों का ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं भाई। नाम क्या होगा? नाम पांडे चौधरी फिटनेस कच्छे, चौधरी फिटनेस के स्पेशल कच्छे। नाम मैं देखूंगा अभी, नाम मैंने डिसाइड नहीं किया, पर जहाँ तक है मैं मतलब दिल से पांडे जी को प्यार करता हूँ, तो मैं जहाँ तक है मैं पांडे जी की फोटो भी लगाऊंगा उस पर सबसे आगे, जब भी कोई पहने पांडे जी को याद करेगा। भाई ये क्यूट सा डंबल सामने रखा हुआ है ताकि इसको देख के गुस्सा आता रहे, उसकी याद आती रहेगी और हैवी मारने का मन करेगा। अब लेंगे अपना पहला सेट 10 किलो से 12 से 14 रेपिटेशन ईजी। भाई ब्रेकअप इज इम्पोर्टेंट, तो भाई ब्रेकअप ही बीस्ट बनाती है ऐसे, ओ आई मीन ऐसे, ये बीस्ट नहीं है ये रेस्ट इन पीस है। चल 1 2 3 चल 4 5 वीडियो छोड़ दे, अरे मारना दो, तो अब होगा दूसरा वर्किंग सेट 15 15 kgs, और कोशिश वही होगी 12 से 14 रेपिटेशन ये खुद लगाएगा, 3 से 4 रेप मैं इसको पुश करूंगा। टिच्चू लगाने गया, दिखाई दिखाई नहीं देगा आपको, दिखाएगा वो देखो अभी फुल फुल पावर में आएगा ये, चार वॉक देखो भाई की, विपिन गुजर वाली वॉक है। बारी आती है भाग जाता है, अपनी बारी पे उसको सपोर्ट चाहिए, धीरे धीरे सारे हथियार ला रहा है, पहले चौक लगा के आया, फिर बेल्ट लगा के आया, अब ये लेके आ रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना नंबर ऑफ हथियार बढ़ते जा रहे हैं इसके, अब अगले रैप में बंदूक लेके आएगा मारने के लिए। चलो गुस्सा क्यूटी की गर्दन दबा दी, यही हाल उसका भी इसने किया था क्यूटी का, अपनी वाली का उसकी गर्दन पर पट्टा डाल दिया बेचारी की। बड़ा दुख होता है मुझे उसके बारे में सोच के, उसने मेरे से हीरा गवा दिया, वो हीरा सूर्यवंशी वाला नहीं हूँ मैं, मैंने भी सोचा था भाई। ये तो आपकी एक्स रहती कहाँ है? मेरी एक्स रहती है उसके नए बंदे के दिल में, नहीं नहीं दिल में, दिल दिल में रहती है वो प्लेस, लेकिन वो दिल मेरा नहीं है, वो किसी और का है। और सेकंड वाली कहाँ रहती है? सेकंड वाली नई वाली। चल छोटा दे, शोल्डर की हैवी वेट की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप इतना उठा लो कि एक रेप लगे, यहाँ पर हमारा लास्ट सेट भी इसी में रहता है, चाहे ये हो चाहे कोई भी पार्टनर हो मेरा, 4 से 6 रेप एटलीस्ट उसके निकल रहे हो, बाद में मैं आऊँ। हैवी वेट का ये मतलब नहीं इतना लगा लिया कि एक तो उठ नहीं रहा एंड ऊपर से 1 या 2 रेप निकले हैं, ये फाइनल सेट होगा मेरा।
वाइट टाइगर जिंदा है। आज मेरे अंदर पंप अलग है, आज हमारे पास पांडे जी हैं। पांडे जी का एक अलग ही नशा है एक साइज का, पांडे जी को देखकर हमें पंप आ जाता है। वेट सेम रखेंगे, 4 सेट 15 से 16 रेपिटेशन। बैक शोल्डर पांडे जी इज वेरी नॉची नॉची। अरे भाई ये क्या लाए हो? क्यूट क्यूट से डंबल मेरे पापा से मार गया। मेरे पापा तुम कह रहे इसका सबसे तगड़ा सपोर्टर पांडे, ठीक है, वो जॉब में मदद करता है इसकी, वो इसके सारे सारे ए टू जेड कांडों में इसके होता है, चाहे क्राइम हो चाहे 376 हो, वो हर जगह इसके साथ इन्वॉल्व होता है। ये हाँ करे ना करे पांडे को पकड़ लो बस। मैं आपको सारी एक है एयरटेल में, एक है कनाडा, एक है भाई बिल्कुल क्यूट है मेरी एक्स की तरह, लेकिन अब मैं इसको बाहर फेंक के आ रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे को ऐसे ही फेंका था मजाक से। बहुत प्यारा सा डंबल है, क्यूट सा, और ये मैंने पांडे के आगे रख दिया ताकि इसको देख के इसको गुस्सा आता रहे, क्योंकि जितना इसमें एग्रेशन आएगा उतना अच्छा एक्सरसाइज करेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा इसको, रख के आता हूँ अपनी जगह पे, वरना मैं इसको बैग में डाल के ले जाऊंगा। थोड़ी देर में डालूंगा। अभी मैं आपको रूबरू कराऊंगा खली की नजायज औलाद और जॉन सीना का। जॉन सीना भी पर इंडिया आया था, हमारे मिस्टर शुभम पांडे। ये सूखा खली भाई, डोला तगड़ा है भाई, डोला चेक करो भाई का, चेक करो भाई, चेक करो शोल्डर्स, चेक करो भाई भाई का डेफिनेशन देखो भाई शोल्डर्स में, आप पूरे राउंड है भाई, पूरे राउंड कोई कह सकता है कि क्या कर रहा तू? जिन्हें तो अपनी सैंडो पहन ली, आपकी कहाँ है? मैं सैंडो वैंडो नहीं पहनता भाई, मैं शरीर छुपा के रखता हूँ जिसका बना हुआ वो। ये बालाजी नहीं गया था, ये बालाजी नहीं गया था, ये कहीं और गया था भाई। एक बार यहाँ भाई ये देखो, ये बालाजी नहीं गया था भाई। लोगों की कमेंट आई है शांत भाई, एक बार अपनी सैंडो खोलें ओपन में। इसे कहाँ पहनते भाई, इसे कहाँ पहना जाता है? ये कमेंट करो भाई, कमेंट करो, इसे कहाँ पहना जाता है? क्या ये पेट कम करने की मशीन है? वो अब समझ आया किस चीज़ की मशीन है ये। चलो पांडे जी, तो हमारे देश में जो बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल, नाम ले लूँगा तो वो भी ऐसे ही अपने बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छी बात है, एग्रेशन अपनी जगह होता है, पर वो अलग तरीके का, ऐसा एग्रेशन की भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऑलरेडी अगर माइंड मसल कनेक्शन है ना आपका, आप अपने आप को ऑलरेडी पुश कर सकते हो, पट्टे पट्टे मारने से, डंडे मारने से कुछ नहीं होता। तो थर्ड एक्सरसाइज एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, अब यही मुझे बताया करनी कैसे है। अलग हाथी का वजन डाल दिया बेंच में, बेंच भी नहीं हिल रही है। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरा वेट कितना होगा। मेरा वेट 80 से 85 के बीच में है।
तो थर्ड एक्सरसाइज बेसिकली सुपर सेट रहेगा, दो एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन, लेइंग फ्रंट रेजेस डंबल से और साथ में अपर डेल्ट्स के लिए बैक शोल्डर। तो ये रहेगी फ्रंट रेस 15-16 रेपिटेशन एंड इसके बाद दिखाऊंगा रियर डेल्ट्स को, आज एक डिफरेंट तरीके से ट्रेन करेंगे जो एक्सरसाइज। चल इजी इजी, 3 चल, 4 चल, 5 चल, 6 चल, तो फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी हमारी अपराइट रो। हमारे भाई आ चुके हैं पीछे से दो दो बोतलें लेके, वाटर बॉय, वाटर पांडे जी का वाटर बॉय, और भाई, भाई और भाई वाटर वुमेन का है। चार सेट 15-16 रेपिटेशन, वेट यहाँ पर भी हम लोग सेम रखेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी फ्रंट शरक्स। और यार अच्छा जिम में खुशबू अच्छी आ रही है, जिम में पौधे भी रखे हैं, बस दिक्कत ये पौधों को पानी डालने के लिए अलग से बंदा रखना पड़ता होगा इन लोगों को। भाई प्लास्टिक के पौधे हैं वो। तो भाई हमारा शोल्डर का सेशन हमारा खत्म हो चुका है, लास्ट में हमने जो एक्सरसाइजेस ली थी बैक बटरफ्लाई और फिर शरक्स, और भाई सुबह मैंने वेजिटेबल्स भी ली थी वो भी मैंने आपको इसमें दिखा दिए कवर करते हुए। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप, क्योंकि हम अब जो है एक परिवार हो गया पूरे 1000 का, 1K हमारे कंप्लीट हो गए हैं परसों। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सपोर्ट और इतने प्यार दिखाने के लिए। एंड एक स्पेशल हम लोग एक व्लॉग उसका क्रिएट कर रहे हैं जिसकी एडिटिंग अभी पेंडिंग है, उसकी जैसे एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी वो व्लॉग भी आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। मेरे बाकी वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को भी उसी तरीके से प्यार दीजिए जैसे बाकी वीडियोस को दिया है। अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चौधरी फिटनेस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।